ठीक है, आप नई नई तरह का मेकअप ट्राई करते हैं, मेकअप को नए नए तरीके से अप्लाई करने के तरीके सीखती है, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर मेकअप शॉपिंग का फंडा क्या है? अगर नहीं तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि यही सिखाने के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं जाने माने मेकअप ब्रांड सिमलॉट। तो आइए आपको सिखाएं कैसे करनी चाहिए मेकअप की शॉपिंग। समय हमारे साथ है सीनियर मेकअप आर्टिस्ट डीरा। बहुत बहुत शुक्रिया डीरा शो में आने के लिए आपका। If you can buy makeup, your basic foundations or powders during daytime, तो आपके लिए बेटर होगी, क्योंकि आप मिरर लेके बाहर भी जा सकती है और देख सकती है कि सनलाइट में आपकी बेस कैसे देखते हैं। सबसे पहले उस कॉस्मेटिक की बात करते हैं डीला, जो चाहे थोड़ा मेकअप करने वाले हैं, ज्यादा मेकअप करने वाले हैं, उनके बैग में जरूर होता है, वो है एक लिपस्टिक। एग्जैक्टली। अब आपने कई बार देखा होगा एक लिपस्टिक लगाने के बाद आपके होंठ कभी जल जाते हैं, जलने लगते हैं। हाँ। या कई बार ऐसा होता है कि लिपस्टिक लगाने के बाद सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, या कभी कभी काले पड़ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जब भी आप लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक में थोड़ी स्मेल है, फेंक दीजिए। डोंट इवन एक्सपोज योरसेल्फ टू दैट, इट्स नॉट वर्थ इट। कितनी लाइफ होती है लिपस्टिक की, वैसे देखा जाए कई लोग ऐसे हैं जो सालों सालों लिपस्टिक संभाल के रखते हैं, क्योंकि खत्म नहीं हुई है, कभी रख लो। आप जब ओपनिंग नहीं करते, एटमोसफियर में एक्सपोज नहीं करते, तो सिर्फ 3 साल। अच्छा। लेकिन जब आप टच करते हैं आपकी फेस पे, नहीं तो हैंड्स में, तो ओपन करते हैं, सिर्फ 1 साल। ऐसे मत कीजिए कि हाँ लिपस्टिक खत्म नहीं है, मेरे फेवरेट शेयर पे मैं लगाती रहूँ 3 साल 4 साल, तो आपकी लिप्स ब्लैक हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत से लोग हमने देखा, ध्यान नहीं देते लीजिएगा, वो है अपनी लिपस्टिक्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करना। अगर दो बैच बहुत लोगों को कर लेते हैं ये ना, आपने भी, मम्मी भी लगा रही है, बेटी भी लगा रही है, एक्चुअली स्वेलिंग इसी वजह से होती है। एग्जैक्टली। आपकी होंठों में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, शायद एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगी। मेरे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरी लिप्स पे, लेकिन आप हम लोगों ने एक लिपस्टिक शेयर कर लिया, आपका बेकार है, मेरी आप मेरी बेकार इस वायरस, इस ऑल वायरस। लिपस्टिक का एक सबसे बड़ा शॉपिंग फंडा ये है कि 3 साल अगर आपने लिपस्टिक खोली नहीं है, उसके बाद इसे फेंकें, और अगर आपने खोल ली है तो 1 साल इसकी लाइफ है, और कभी भी अपनी लिपस्टिक को किसी के साथ बांटें नहीं। आई शेयर शॉपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रख लीजिए कि जब आप आई शेयर चूज करते हो आप कब लगाएगी, नाइट टाइम, डे टाइम, वॉकिंग, यू नो आई वॉन्ट यूज दैट आई शैडो ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स, नहीं तो आप वो आई शैडो लगाएगी जब आप क्लबिंग जाएंगे, और इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग ऑल्सो। द सेम विथ मस्कारा, दीज आर लिक्विड प्रोडक्ट्स, ये सब वो लिक्विड है, तो जब आप लगाती हो उसके बाद अंदर रखते हो, राइट? तो इफ इन केस आपकी आईज में इन्फेक्शन है, तो ये सेम वायरस आप आपकी ब्रश में कॉन्टैक्ट, टू द कॉन्टैक्ट ऑफ योर ब्रश, यू टेक इट ऑन टू योर ब्रशेज, यू पुट इट इन साइड योर बॉक्स। जब आप लिक्विड प्रोडक्ट ज्यादा चलाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रखिए, ताकि आप वो टिश्यूज में डाल के थोड़ा करके क्लीन कर सके। एग्जैक्टली। और मस्कारा जो होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते, ड्राई हो जाते, तो मस्कारा में पानी डाल के आप और रीयूज ट्राई को नहीं करना, चलिए बिल्कुल गलत करना, क्योंकि इससे आप अपनी आंखों को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहां तक आई लाइनर के सवाल है, उसकी कितनी उम्र होती है आई लाइनर्स की? 1 ईयर। तो लिपस्टिक आपकी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 साल, आई लाइनर आपका 1 साल, और मस्कारा को आप 6 महीने से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जूला बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे मेकअप शॉपिंग टिप्स हमें देने के लिए, और हमें ये उम्मीद जरूर है कि हमारे दर्शकों को भी उनके कई सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपके अभी भी कोई भी मेकअप क्वेरीज बाकी हैं तो जल्दी से हमें आप एक छोटा सा SMS भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले टाइप करना है GID, उसके बाद लिखे अपना सवाल और हमें 5608 इसे फॉरवर्ड करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग।